थर्ड ईयर फैन दिस इज वाकर फ्रॉम डीवी टीचिंग पोर्टल, योर वेलकम। नाउ प्रैक्टिस ए न्यू वायरस एंड बाय राइड। तो यहाँ पर जो 6 तारीख का प्रैक्टिस सेट था, यहाँ पर इससे पहले जो आया था तो उसमें यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया था। दूसरा वाला यहाँ पर तीसरा सही था, और यहाँ पर लगाया था मोलस्का वाला अर्थोपोडा वाला सही था, क्योंकि जो मोलस्का है नॉर्मली बीवी पूरा ओवी पूरा नहीं होता है, यहाँ पर बीवी पूरा होता है। तो आर्थोपोडा सही था। आर्थोपोडा और बॉडी डिवाइडेड इंटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमिन, और इसका यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है रेस्पायरेशन बाई ट्रेकिया। तो सारे आर्थोपोडो के ये करेक्टर है, तो यहाँ पर सी सही होगा, यही करेक्शन कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और था उसमें यहाँ पर गलत हो गया था, 11 वाला यहाँ पर, इसमें बता रहा था, इसमें मैंने लगाया था, तो इसमें जो है सी वाला बी वाला लगाया था, वो ए वाला इसमें यहाँ पर सी बी वाला लगाया था, ये गलत था। और यहाँ पर सी वाला सही है, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि सेंटीपीड सेंटीपीड जो है सेंटीपीड और मिलीपीड का इंसेक्टाक्लाद नहीं है। सेंटीपीड आर्थ्रोपोडा में तो सारे एनिमल आते हैं, और सेंटीपीड का डिफ्नोई है वो क्लियोन है क्लास, और मिलीपीड का यहाँ पर डिफ्नोई है, सेंटीपीड का क्लियोन है। तो यहाँ पर इनका क्लास अलग है। स्पीडर का एक्निडा है, स्कॉर्पिन का स्पीडर का एक्निडा क्लास है, यहाँ पर इंसेक्टा। तो आंसर यहाँ पर ये भी 11 का करेक्शन कीजिएगा, 11 में भी गलत हो गया था, तो इसका भी सी था, इसका बी लगाया था। और यहाँ पर सिमेट्री के बारे में कुछ डिटेल है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैव टू सेल लेयर। जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं उनमें 2 तरीके की लेयर पाई जाती हैं, देयर बॉडी आउटर एंड एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, यानी आउटर एक्टोडर्म होती है और इनर इंडोडर्म। द फाइलम निडेरिया डिप्लोब्लास्टिक, निडेरिया मीन्स होता है सिलेंटेट, फाइलम निडेरिया है, कंटेन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और आसिलोमेट एनिमल होते हैं यहाँ पर, नो ट्रू आसिलोमेट मित्र, जो कि नो बॉडी सेल, यहाँ पर प्लेटीहेल मिनतीज है जो कि आसिलोमेट एनिमल है, या नो बॉडी सीलोम या कैप्टी। यहाँ पर आसिलोमेट जो एनिमल प्लेटीहेल मिनतीज, प्योरीफेरा, निडेरिया और स्टीनोफोरा, यानी PPCCM यानी मेजोफेरा। तो यहाँ पर सी एनिमोन वगैरह ये सारे जो हैं निडेरिया में आते हैं, सी एनिमोन निडेरिया में आते हैं, और यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक आसिलोमेट हैं एनिमल, यानी पीपी, पोरीफेरा, प्लेटी हेलमेंटीज और निडेरिया सीसी, निडेरिया और टीनोफोरा, ये सारे डिप्लोब्लास्टिक आसिलोमेट एनिमल हैं, यहाँ पर ध्यान रखने का है। तो वायरस और बायराइड्स का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है, 161 क्वेश्चन है MCQ। तो वायरस जो शब्द है वो किससे बनकर, वायरस का अर्थ क्या है? तो वायरस मीन्स विषाणु, और जिसका नाम है पॉइजन। तो पहले का आंसर एक हो जाएगा, जो कि लैटिन वर्ड है वायरस, और इसका अर्थ है पॉइजन यानी जहर। बी चीज एक्सेप्शन ऑफ टू सेल थ्योरी। तो एक को छोड़कर यहाँ पर कौन से एक सेल थ्योरी के बारे में देता है? तो वायरस को छोड़कर सारे जो हैं सेल थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, वायरस अपवाद है। वायरस यहाँ पर सेल थ्योरी, और ना तो यूकेरियोटिक ना प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें कोई में भी नहीं आता है यहाँ पर इसको, या तो यहाँ पर सेल थ्योरी के अंतर्गत वायरस नहीं आता। तो आंसर सी सही होगा। विच वन फॉलोइंग आर द इंट्रा सेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट मतलब विकल्पिक पैरासाइट है, और इंट्रा सेलुलर है, तो यहाँ पर वायरस एक विकल्पिक है, पैरासाइट है। फैकल्टेटिव मतलब अविकल्पी, ओब्लिगेट मतलब विकल्पी, पैरासाइट माने एक परजीवी, और वायरस है इंट्रा सेलुलर है। वायरस वेयर डिस्कवर्ड बाई, तो वायरस की खोज की थी इवानोविस्की ने, जो कि कैप्सोमियर में तंबाकू के PTMB में। तो 4 का आंसर सी हो जाएगा, इवानोविस्की।
हु कॉल द वायरस एज कॉन्टेजियम बीबम फ्लोटम, तो किसने कहा था वायरस कॉन्टेजियम बीबम फ्लोटम है, तो यहाँ पर पांच का आंसर डी बी सही होगा, बिनजीरिकनिक बिनजीरिक कॉन्टेजियम बाइबम फ्लोडम एम बिनजीरिक ने कहा था। वायरस क्रिएटेड इन द प्योर प्योर फ्राम फिरामेंट क्रिस्टलाइज बाई, तो यहाँ पर प्योर वायरस निकाले गए थे और क्रिस्टलाइज किसके द्वारा किए गए थे, स्टेनले के द्वारा किए थे। आंसर यहाँ पर एक सही होगा। द साइंटिस्ट फाइट द डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस, तो वायरस की केमिकल पोजिशन कितने निकाली थी, तो यहाँ पर सी सही होगा। बेडन एंड प्रेरी इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ वायरस वाज डिस्कवर्ड बाई, तो एट का आंसर सी सही होगा, इवानोविस्की। ये वायरल डीएनए कैन बी मेड रेडियो एक्टिव बाई, एक वायरल डीएनए है जो कि तो रेडियो एक्टिव बाई बना सकते हैं पर किसके द्वारा, तो यहाँ पर होगा पहला ही कल्चर वायरस इन द मीडियम P20, और पहला नहीं होगा यहाँ पर होगा प्रोवाइडिंग आइसोटोप P20 P32 टू बैक्टीरिया विच इज हैज इफेक्टेड बाई द वायरस, एक वायरल डीएनए जो कैन बी रेडियो एक्टिव बाई वायरल है, डीएनए कैन बी मेड बाई यहाँ पर रेडियो एक्टिव बना सकता है वायरल डीएनए किस तरीके से, प्रोवाइड यहाँ पर P32 यहाँ पर P32 एक बैक्टीरिया है जिसे इन्फेक्टेड वायरस से उसके द्वारा रेडियो एक्टिव वायरल डीएनए बना सकते हैं। जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है उसको यहाँ पर P20 प्रोवाइड करके वायरल डीएनए बना सकते हैं। विच वन फॉलोइंग हैज यूज्ड बाज हर्से एंड चार्स टू प्रोवाइड डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हाइडिडिटी, तो हर्से एंड चार्स ने यहाँ पर सरकोमा वायरस को T2 यहाँ पर वायरस पर प्रयोग किया था और डीएनए की केमिकल बेसिस जो है हाइडिडिटी प्राप्त प्रोवाइड की थी, उन्होंने कहा था कि डीएनए जो कि कारक है, तो डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है जो कि हाइडिडिटी कैरी करता है, तो यहाँ पर जो उन्होंने यूज किया था T2 बैक्टीरियोफेज। द वायरस विज कंस्टिट्यूट बाई, तो वायरस किसका बना होता है, तो यहाँ पर वायरस जो है प्रोटीन और आरएनए का बना होता है, वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड आरएनए या डीएनए के दोनों में से किसी का एक हो सकता है, हम निश्चित नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर प्लांट डीएनए में तो मोस्टली आरएनए पाया जाता है, मगर एनिमल डीएनए में एनिमल वायरस है उसमें बहुत से वायरस हैं जिनमें डीएनए भी पाया जाता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोटीन तो होती है मगर न्यूक्लिक एसिड होता है, मगर ये नहीं पता कौन सा आरएनए भी होता है और डीएनए भी, तो केवल आरएनए नहीं लगा सकते, इसलिए आंसर डी सही होगा। वायरस प्रोसेस, जो वायरस वायरस में होता है आइदर डीएनए और आरएनए, वायरस कैन बी कंसीडर्ड आर द लिविंग बिकॉज दे हैव रिस्पॉन्ड यहाँ पर दे प्रोड्यूस इन होस्ट सेल, इसे लिविंग बींग कह सकते हैं क्योंकि ये होस्ट सेल में प्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोड्यूस मतलब पैदा हो सकता है उत्पन्न हो सकता है। विच इज फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द वायरस, तो वायरस के बारे में क्या सत्य है, वायरस अकर ओनली इनसाइड द बैक्टीरिया, वायरस मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट, वायरस है बिहेव विद द प्लांट, वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, तो वायरस मल्टीप्लाई ओनली इन द होस्ट, आंसर यहाँ पर बी सही होगा। 14 का जो वायरस रहते पड़ा रहेगा तो उसमें कुछ नहीं हुआ, इनएक्टिव प्रोसेस में रहेगा जैसे निर्जीव हो, और जब किसी होस्ट के अंदर चला जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके और सजीव लक्षण प्रदर्शित करेगा और अपने आप मल्टीप्लाई होगा, जब तक कोई होस्ट नहीं मिलेगा वो जब तक निष्क्रिय ही रहेगा आजीवित अवस्था में पड़ा रहेगा, जब जैसे ही इसे कोई होस्ट मिला एक्टिव होकर यहाँ पर वो सजीव पत्तू की तरह कार्य करने लगेगा। वायरस आर नो मोर लाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम बिकॉज,
आर नो मोर लाइव, वायरस अधिक समय तक नहीं जीता है बताओ, देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम बीकाज, जब क्रोमोसोम हम उसमें निकाल दें उससे हटा दें, तो बोथ रिक्वायर इन्वायरमेंट ऑन सेल ओलिविकेट, तो दे बोथ रिक्वायर ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन पहला ही सही होगा, दे रिक्वायर बोथ आर एन ए डी एन ए, तो 15 का एक सही होगा, बोथ यहाँ पर बोथ इन्वायरमेंट एंड सेल रिप्लिकेट के लिए, दोनों के लिए ज़रूरत होती है क्रोमोसोम की, रिप्लिकेट करने के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, दोनों काम के लिए यहाँ पर ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पर वायरस अगर क्रोमोसोम नहीं मिलेगा उसे तो वो अजीवित रहेगा, मोस्ट ज़्यादा समय तो नहीं जिएगा, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट ऑन द वायरस बिकॉज वायरस हैव नो मेटाबॉलिज्म ऑन देयर वन, तो आंसर यहाँ पर पहला ही सही होगा, वायरस की कोई इंजाइम प्रक्रिया नहीं होती, वायरस में कोई इंजाइम नहीं पाए जाते हैं, तो इससे यहाँ पर कोई भी मेटाबॉलिज्म उसमें नहीं पाई जाती, इसलिए एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की बनी होती है वो वायरस पर नहीं काम करती है, प्रॉपर आंसर ये हो जाएगा 16 का। व्हाट इज द ट्रू अबाउट वायरस, तो वायरस के बारे में क्या सकता है, दे कैन बी फैकल्टेटिव आर ऑब्लिकेट, तो पहला तो गलत है, दे हैव बोथ डीएनए आरएनए, दे लॉक द सेल ऑर्गेनेल आर लॉप अबो, तो आंसर यहाँ पर डी सही होगा 17 का, वो यहाँ पर दे लॉक द सेल ऑर्गेनेल, आंसर प्रॉपर सी सही होगा। वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन द इट्स ओन बिकॉज इट लॉक सेलुलर मैग्नेटी टू इट्स जेनेटिक मटेरियल, इट हैज अनडेवलप्ड सेक्स ऑर्गन, इट कैन नॉट रूट आउट सेल, तो आंसर पहला ही सही होगा 18 का, इट लॉक द सेलुलर मैग्नेटी टू यूज द जेनेटिक मैग्नेट, इसमें कोई अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, दूसरे होस्ट के जेनेटिक मटेरियल से ही रिप्लीकेट करता है, तो इसमें कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेल भी नहीं होती, ना कोई भी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है, ना कोई सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि ट्यूब सेल होते हैं, यूकेरियोटिक में होते हैं, उस तरीके के नहीं होते हैं। वायरस रिप्लिकेट ऑन, तो वायरस यहाँ पर किस में रिप्लिकेट होता है, लिविंग टिशू, तो 90 का आंसर सी सही होगा, लिविंग टिशू में ही केवल, लिविंग टिशू या होस्ट में ही केवल, होस्ट तो में तो टिशू होंगे, केवल होस्ट में ही या लिविंग टिशू में ही रिप्लिकेट कर सकेगा। फॉर सक्सेसफुल स्टडी ऑफ द मार्फोलॉजी या वायरस एंड द माइक्रोस्कोप भी यूज, तो माइक्रो वायरस बहुत छोटी चीज़ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया जाएगा, जिससे यहाँ पर वायरस की स्ट्रक्चर संरचना, यानी बाहर मार्फोलॉजी मीन्स होता है बाहर आर की बाहरी आकार, उसकी संरचना का अध्ययन करना। द स्मॉलेस्ट वायरस इज, सबसे छोटा वायरस बता रहा कौन सा है, तो माउथ एंड फूड वायरस ऑफ कैटल, तो आंसर 21 का सी सही होगा, फूड एंड माउथ वायरस ऑफ कैटल। लार्ज वायरस, तो लार्ज वायरस कौन सा है, तो सबसे बड़ा वायरस बोन्ड ट्यूमर वायरस, आंसर यहाँ पर पॉक्स वायरस सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा माउथ एंड फुट वायरस आप कैटल। वायरल एब्लोव इज नाउन है, तो वायरस के जो लिफाफा है उसे क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, 23 का आंसर एक सही होगा। द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, तो वायरल का कैप्सिड है वो बना होता है न्यूक्लिक एसिड का, आंसर यहाँ पर सी सही होगा 24 का, वो प्रोटीन का बना होता है वायरल का कैप्सिड। द कैप्सिड ऑफ वायरस इज सिंथेसाइज ऑन न्यूक्लियस ऑफ वायरस राइबोसोम ऑफ होस्ट, तो जो कैप्सिड ऑफ वायरस का है सिंथेसाइज किस पर होता है, सिंथेसिस तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होस्ट राइबोसोम ऑन द होस्ट, तो कैप्सिड ऑफ वायरस का सिंथेसिस ऑन यहाँ पर 25 का बी होगा, राइबोसोम ऑन द होस्ट, होस्ट के राइबोसोम पर जो वायरस का कैप्सिड है उस पर यहाँ पर सिंथित होगा। द इनर कोर ऑफ द वायरस विद द जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ, तो जो अंदरूनी कोर है वायरस की वो बनी होती है, तो यहाँ पर 26 का आंसर और डी सही होगा, न्यूक्लिक एसिड की।
स्ट्रक्चरली कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज नाउन है, जो स्ट्रक्चर पूरे जो वायरस है उसे क्या संरचना बायराइड कहेंगे, पूरा पूरा स्ट्रक्चर हो जो वायरस पार्टिकल तो उसे कहेंगे बायराइड। इसे बायरन कहेंगे यहाँ पर। स्ट्रक्चरली कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज नाउन एज बायरन। इन अगार 27 का यहाँ पर डी था, 27 का सी था। अगार इन अगार प्लेट मीडियम हैविंग बैक्टीरियो फेज एंड बैक्टीरियो इन अगार प्लेट मीडियम हैविंग बैक्टीरियो फेज एंड द बैक्टीरिया देयर आर द क्लियर ट्रांसपेरेंट एरिया इन कॉल्ड। अगार प्लेट में बता रहा मीडियम हैविंग बैक्टीरिया फेज एंड बैक्टीरिया देयर आर द क्लियर ट्रांसपेरेंट एरिया कॉल्ड। जो अगार मीडियम है उसमें यहाँ पर बैक्टीरिया फेज यानी एक बैक्टीरिया फेज एक बैक्टीरिया इन अगार प्लेट मीडियम हैविंग बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरिया आर देयर आर क्लियर ट्रांसपेरेंट एरिया इज कॉल्ड। दोनों के बीच का जो दोनों में क्लियर जो एरिया है उसे क्या कह लेते हैं तो उसे कहेंगे पेलग्यू पेलेक्यू। आंसर यहाँ पर बी सही होगा। न्यूक्लिक एसिड या हाइडिटी मटेरियल प्रेजेंट इन वायरस, तो वायरस में यहाँ पर डीएनए भी होता है आरएनए भी होता है, तो इनमें से आर डीएनए और आरएनए, तो आंसर यहाँ पर बी सही होगा, सी सही होगा। हर्पीस इसमें सिंप्लेक्स हैज, तो हर्पीस वाला जो वायरस है उसमें क्या पाया जाता है डीएनए का, तो जो हर्पीस वायरस है उसमें यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल आप कोलीफेज 5 × 174 बैक्टीरियोफेज इज, तो यहाँ पर ये होगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएनए यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इन रियो वायरस द जेनेटिक मटेरियल इज, तो रियो वायरस जो है जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है इसमें, 32 का एक हो जाएगा यहाँ पर, इसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है उसमें डीएनए पाएगा स्मॉल पॉक्स में। हर्पीस जो वायरस था रियो वायरस है जो कि जेनेटिक मटेरियल इसमें पाया जाता है, रोट्रो वायरस में डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और यहाँ पर रियो वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। पार्ट इज द जेनेटिक मटेरियल इन द इन्फ्लुएंजा वायरस, तो इन्फ्लुएंजा वायरस है तुम्हें जेनेटिक मटेरियल किस तरीके का है, सिंगल स्टैंडर्ड यहाँ पर सिंगल हेलिक्स डीएनए होगा इन्फ्लुएंजा में, 33 का आंसर एक सही होगा आरएनए केवल। जो इन्फ्लुएंजा है कॉमन नोज फ्लो वाला जो दो तीन बार सही हो जाता है, दो तीन दिन के बाद नाक बहती हो तो उसमें आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल वायरस का। कोलीफेज T2 है जो, तो यहाँ पर डी डबल यानी डी ए डी एन ए, 34 का बी सही होगा यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डी एन ए। डबल स्टैंडर्ड आर एन ए इज फाउंड इन, तो डबल स्टैंडर्ड जो आर एन ए किस में पाया जाता है, तो यहाँ पर बाउंड ट्यूमर वायरस, आंसर 35 का डी सही होगा। पाल ट्रायलेड बैक्टीरियो फेज पोसेस, जो तेल वाले जो बैक्टीरियो फेज हैं तो उनमें क्या होता है किस तरीके का जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें यहाँ पर उनमें सभी में जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस कंटेन, तो जो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस उसमें क्या पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ट्रायलेड जो बैक्टीरिया था उसमें भी पाया जाता था डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और कॉलीफ्लावर वायरस है जो कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी वाला, तो उसमें भी डबल स्टैंडर्ड वायरस पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन मेजोरिटी ऑफ द कॉलीफेज इज, तो कॉलीफेज में न्यूक्लिक एसिड होता है तो यहाँ पर होगा डीएनए।
रोगी सिंगल होगा, आंसर यहाँ पर ए सही होगा। सिंगल अटेंडेंट ही नहीं होता है कॉलीफेज में, और डबल अटेंडेंट यहाँ पर कॉलीफेज में होता है और हर्पेक्स में होता है। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन मेजोरिटी ऑफ द कॉलीफेज इज, तो यहाँ तो हो गया क्वेश्चन, इन बीच वायरस डीएनए डबल अटेंडेंट, इनमें से किस में डबल अटेंड वायरस पाया जाता है। 39 का भी वो हेपेटाइटिस बी। ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिटी वायरस इज कंपोज ऑफ अ प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल बीच इज, तो जो होते हैं डबल अटेंड आरएनए होता है जो कि इम्यूनी वायरस में होता है, इस तरीके से आरएनए होता है डबल अटेंडेड, तो 40 का बी सही होगा। सिंगल अटेंडेड, हाँ सिंगल अटेंडेड आरएनए होगा, देखिए यहाँ पर इस तरीके से सिंगल अटेंड होते हैं दोनों अलग अलग। द जेनेटिक मटेरियल फॉर द रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया जिससे होता है, जिससे पानी से डर लगता है, जो कुत्ता काट खाता है कुत्ते तो उसमें पानी से डर लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, तो रेबीज वायरस होता है कुत्ते में, तो वायरस कंसिस्ट ऑफ जो वायरस बना होता है रेबीज वायरस, तो उसका किसका बना होता है, 41 का आंसर सी होगा, यहाँ पर सिंगल अटेंडेड आ रही है। द वायरस विच हैज बाज आइसोलेट, तो वायरस जो है आइसोलेट है, इनमें से अलग है, कौन सा वायरस है जो वायरस विच है फर्स्ट बाज आइसोलेटेड, सबसे पहले जो वायरस निकाला गया था कौन सा था, तो पाया गया था तम्बाकू यानी TMB, सबसे पहले वायरस की खोज की थी वाइनोबिस्की ने TMB में, स्टेनली हॉल ने अपन क्रिस्टलाइज किया था। 42 का डी हो गया। द एब्रीविएशन ऑफ TMB यूज फॉर द वायरस, TMB कंटेन, तो TMB में किस तरीके का मटेरियल पाया जाता है, तो TMB में यहाँ पर पाया जाता है DNA एंड प्रोटीन, RNA एंड प्रोटीन, तो 44 का आंसर बी सही होगा। तम्बाकू मोज़ेक वायरस यानी TMB हैज सिंगल अटेंडेड RNA मालिकूल, तो 45 का आंसर यहाँ पर सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इनमें से कौन सा गलत है, द मोस्ट प्लांट वायरस आर द RNA वायरस सही है, मोस्ट एनिमल वायरस आर DNA वायरस सही है, TMB है डबल अटेंडेड RNA ये गलत है, TMB एज सिंगल अटेंडेड RNA मालिकूल यही गलत है, 46 का आंसर सी सही होगा। तंबाकू मोज़ेक वायरस यानी तंबाकू मोज़ेक वायरस इज ट्यूबुलर फिलामेंट साइज ऑफ, तो इसका जो ट्यूबुलर का साइज है एक ट्यूब का तो कितना होगा, और थर्ड यहाँ पर 47 का आंसर एक सही होगा, 3 × 300 × 220 nm। हाउ मैनी अमीनो एसिड आर फाउंड इन द कैप्सोमियर ऑफ TMB, तो TMB में कितने कैप्सोमियर पाए जाते हैं, 48 का और यहाँ पर होगा 158। वायरस दैट ग्रो इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियो को खा जाए उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, क्योंकि वो तभी तो यहाँ पर उसमें ग्रो होगा। बैक्टीरियोफेज इज नेम गिवन टू, तो बैक्टीरियोफेज किसने नाम दिया था, क्यों दिया था, तो यहाँ पर ए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया ए ऑर्गेनिज द बैक्टीरिया, आंसर यहाँ पर पहला बी सही होगा, ए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। द बैक्टीरियोफेज बेयर डिस्कवर्ड बाई, तो बैक्टीरियोफेज किसने खोजा था, तो बेंजीनिक ने खोजा था T2 फेज, तो आंसर यहाँ पर 51 का डी होगा, ट्वार्ट एंड डी हैंडले ने खोजा था T2, यहाँ पर बेंजीनिक ने खोजा था, और बैक्टीरियोफेज जो है ट्वार्ट एंड डी हैंडले डी हेरेली ने खोजा था, आंसर डी सही होगा। द बैक्टीरियोफेज इज मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन, DNA इज इट्स
बैक्टीरियोफेज बना होता है डीएनए और प्रोटीन का, तो इसका डीएनए होता है। डीएनए बैक्टीरियोफेज का क्या होता है, हेड एंड टेल। तो डीएनए यहाँ पर केवल हेड में पाया जाता है। 52 का आंसर एक सही होगा। बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स, तो बैक्टीरियोफेज है किस तरीके, किससे पहचान किया जाता है कि बैक्टीरियोफेज है, तो यहाँ पर होगा आंसर 53 का ये सही होगा, टेडपोल शेप। टेडपोल शेप होता है बैक्टीरियोफेज का। हेलिकल कंटेक्टाइल सीथ इज फाउंड इन, तो हेलिकल और कंटेक्टाइल जो सीथ है किस में पाई जाती है, वायरस में पाई जाती है। बैक्टीरियोफेज में पाई जाती है जो भी एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरियोफेज में पाई जाती है हेलिकल कंटेक्टाइल सीथ। ए फेज दैट इन्वेड बट डज नॉट डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल इज नाउन एज, एक जो बैक्टीरियोफेज है तो बता रहा है इन्वेड, ये बैक्टीरिया को इन्वेड करता है, अंदर उसका चला जाता है और इंटर करता है, मगर बता रहा है नहीं उसकी सेल जो है होस्ट की डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो इस तरीके के बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे। 55 का डे होगा यहाँ पर, टेम्परेट फेज। फेज दैट सो लाइसोजेनिक साइकिल आर कॉल्ड, जो फेज है वो लाइसोजेनिक सेल साइकिल प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे टेम्परेट फेज। टेम्परेट फेज यानी जो जो बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया को इंटर करता है, बैक्टीरिया में इन्फेक्ट नहीं करता है और ना सेल को तोड़ता है उसकी, उसकी सेल को डिस्ट्रॉय भी नहीं करता है, तो उसे टेम्परेट फेज कहेंगे या लाइसोजेनिक साइकिल। फेज वाज डिस्कवर्ड बाय, तो फेज किसके द्वारा खोजा गया था, यहाँ पर ट्वार्ट एंड डी हेंडेले ने बताया था, तो यहाँ पर ट्वार्ट तो डी हेंडेले नहीं है। तो 57 का आंसर एक सही हुआ, हाफ एंड गुथमैन हाफ एंड गुथमैन। वायरस जीनोम इनकॉर्पोरेटेड एंड इंटरग्रेटेड विद द बैक्टीरियल जीनोम इज रेफरेंस, जो वायरस जीनोम है वो इन बैक्टीरियो के साथ इंटरग्रेट रहता है, तो इसको क्या कहते हैं इस जीनोम को। तो इस 58 का यहाँ पर डी सही होगा, बोथ आरएनए और डीएनए दोनों कह सकते हैं। ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाई, तो ग्रिफिथ ने यहाँ पर ट्रांसडक्शन खोजा था, यहाँ पर ग्रिफिथ ने ट्रांसडक्शन प्रयोग किया था, तो इसने खोजा कितने था बता रहा है, तो 59 का यहाँ पर डी सही होगा, जिंजर एंड लीडर बल्ब, वो जिंजर एंड लीडर बल्ब ने डिस्कवर किया था और ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर ग्रिफिथ ने खोजा था। बैन बैक्टीरियोफेज इज लाइटिंग फेज कैरीज सम ऑफ द डाइजेस्टेड बैक्टीरियल क्रोमोसोम विद द अदर अनोदर होस्ट सेल आ प्रोसेस इज कॉल्ड बैन बैक्टीरियोफेज इन इट लाइटिंग फेज कैरी सम डाइजेस्टेड बैक्टीरियल क्रोमोसोम विद द अनोदर होस्ट सेल, बता रहा है जब एक बैक्टीरिया सेल है, एक बैक्टीरियोफेज वायरस है जो पहले वायरस को इन्फेक्ट करके उसके डीएनए को अपने साथ ले जाता है दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए, तो जो डीएनए साथ ले जाता है तो दूसरे होस्ट में, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो आंसर यहाँ पर जो ग्रिफिथ ने दिया था, तो आंसर यहाँ पर डी सही होगा, ग्रिफिथ ने तो यहाँ पर ट्रांसफर दिया था, मगर इस प्रक्रिया को कहेंगे डीएनए को साथ ले जाने वाली और जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, तो इसे कहेंगे हम जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन।
द प्रोसेस इन विच डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल इज ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर बैक्टीरियल सेल इज बाय द वायरस इज नाउन एज ट्रांसडक्शन। इन विच प्रोसेस बता रहा है जो बैक्टीरिया सेल है ट्रांसफर द अनोदर बैक्टीरियल सेल बाय द वायरस इज, तो वो एक सेल है बैक्टीरिया की तो दूसरे ट्रांसफर करता है अनोदर बैक्टीरियल सेल में, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे ट्रांसडक्शन। और इसके डीएनए को साथ में ले जाने की प्रक्रिया को, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ले जाने की प्रक्रिया को जनरलाइज ट्रांसडक्शन कहते हैं, जो अभी ऊपर क्वेश्चन था इससे पहले जो पढ़ा था। द स्टेज फॉलोइंग इन्फेक्शन ऑफ सेल बाई वायरस ड्यूरिंग विच प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल कैन नॉट बी मेड आउट। ए स्टेज बता रहा है जो स्टेज फॉलोइंग इन्फेक्शन इज सेल बाई वायरस ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल कैन नॉट बी मेड आउट। 62 का यहाँ पर एक सही होगा, इक्लिप्स फेज, इक्लिप्स फेज द्वारा जो है वायरस पार्टिकल नहीं बने होते हैं। ये सारी फेजें होती हैं, मैचुरन फेज, इन्फेक्शन फेज, लाइसोजनी, मगर इक्लिप फेज नहीं होती है। ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मेडिएटेड बाई, तो ट्रांसडक्शन यहाँ पर बैक्टीरिया किसके द्वारा बनाया गया था, तो फेज वेक्टर या प्लाज्मिड वेक्टर या फेज वेक्टर, तो यहाँ पर ट्रांसडक्शन जो बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था, 63 का आंसर यहाँ पर सी सही होगा, फेज वेक्टर। द प्रोसेस दैट कैन नॉट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ वायरस, तो इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो कि भाग नहीं लेती है वायरस के अनुपस्थिति में। द प्रोसेस दैट कैन नॉट टेक पार्ट इन एब्सेंस ऑफ वायरस, तो इनमें से कौन सी है जो कि बिना वायरस के प्रोसेस नहीं होगी, तो यहाँ पर ट्रांसडक्शन नहीं होगा और सारी चीज़ें होगी, ट्रांसलेशन हो या कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन नहीं होगा। और 64 का बी होगा यहाँ पर, समटाइम वैन ए वायरस अटैक ऑन द बैक्टीरियम नाइदर वायरस मल्टीप्लाई नॉर बैक्टीरियम डाइज, ना वायरस मरता है ना बैक्टीरियम मरता है, और जो वायरस है अटैक करता है बैक्टीरिया, वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है, नाइदर वायरस मल्टीप्लाई, ना वायरस मल्टीप्लाई करता है ना बैक्टीरिया डाई होता है, यानी वायरस ना ख़त्म होता है ना उस पर बैक्टीरिया पर ख़त्म करता है बैक्टीरिया को, ना उसे दिक्कत करता है कोई, तो इस फेनोमेन को कहते हैं लाइसोजेनी। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इनिशियल फॉर द पासिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ बैक्टीरियल फेज इनटू द बैक्टीरियम, तो बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल को जरूरी है जो कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड को पास करने के लिए इनिशियल है, तो बैक्टीरियल फेज को बैक्टीरियो में, तो यहाँ पर उसे क्या कहेंगे, कौन सा न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर जरूरी है, बैक्टीरिया फेज को बैक्टीरियम में, तो यहाँ पर पासिंग करने के लिए, तो इसे कहेंगे 66 का आंसर डी सही होगा, फास्फेडाइल ग्लिसरॉल। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ रिप्लिकेशन, ड्यूरिंग विच ऑफ देयर रिप्लिकेशन द बैक्टीरियो फेज रिलीज लाइसोएंजाइम, तो लाइसोएंजाइम किस फेज में बैक्टीरियो फेज रिलीज करता है, 67 का आंसर डी होगा, पेनेट्रेशन फेज में। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड क्लाज काज दे लाइसिस आर कॉल्ड, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड काज दे लाइसिस आज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं लाइटिक, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई काज दे लाइसिन, लाइसिन जो कि पेनेट्रेट एंजाइम है, तो उसे उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लाइसिन लाइटिक। विच वन फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन द बैक्टीरिया फेज, तो बैक्टीरिया फेज में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो बैक्टीरिया फेज में यहाँ पर पाया जाता है
69 का बी होगा लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया को जो है पेनिट्रेट करता है, बैक्टीरिया सेल की, बैक्टीरिया सेल को इनविलो वायरस इन्फेक्ट या इंटर इन द होस्ट थ्रू। तो जो वायरस का लिफाफा है तो बैक्टीरिया में इंटर करता है या होस्ट में इंटर करता है, किसके द्वारा? इंडोसाइटोसिस थ्रू द केमिकल स्टिमुलेटर या डायरेक्ट पेनिट्रेशन। 70 का यहाँ पर बी होगा डायरेक्ट पेनिट्रेशन, जो लाइटिक इंजाइम द्वारा, लाइसोजाइम द्वारा उसके द्वारा पेनिट्रेट करता है। न्यूरामिनिडेज प्रेजेंट ऑन द एनवेलप ऑफ, तो 71 का डी होगा यहाँ पर इन्फ्लुएंजा वायरस। साइनोफेज वायरस दैट अटैक ऑन, तो साइनोफेज वायरस है जो कि एक अटैक करता है बेयोगिन एलर्जी पर, जिसे साइनोफेज कहते हैं। साइनोफेज बेयर डिस्कवर्ड बाई, तो साइनोफेज की किसने खोज की थी? तो यहाँ पर 73 का आंसर डी सही होगा, स्टेफरमैन एंड मॉरिस। इन फैक्ट साइनोफेज द जेनेटिक मटेरियल इज, तो साइनोफेज में जेनेटिक मटेरियल क्या है? यहाँ पर होगा डीएनए। एलगल वायरस इज, तो एलगल वायरस जिसे कहते हैं माइकोलॉजी या फाइकोलॉजी, फाइकोफेजस या साइनोफेज, तो जो एलगल वायरस है उसे कहते हैं फाइकोफेज। आंसर सी सही हुआ, क्योंकि फाइकोलॉजी है एलगी का अध्ययन। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द सेल, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द होस्ट सेल रिस्पॉन्ड टू द वायरल इन्फेक्शन। वायरस जो इन्फेक्शन है तो सेल के लिए रिस्पॉन्ड करता है इंटरफेरेंस। एंटीवायरल है यहाँ पर इंटरफेरेंस वैक्सीन। विच वन इज द सेल कोडेड प्रोटीन फाउंड इन द रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन ऑफ होस्ट सेल इज, विच ऑफ द वन सेलेड को, विच वन इज ए सेल कोडेड प्रोटीन फाउंड इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन विद द एनिमल वायरस। तो यहाँ पर होगा एंटीजन इंटरफेरॉन। व्हाट इज द इंटरफेरॉन, तो इंटरफेरॉन इट इज अ सक्रेशन इन रिस्पॉन्स टू द वायरल इन्फेक्शन बाय द सेल। इंटरफेरॉन आर द सिंथेसाइज इन रिस्पॉन्स टू वायरसेस। इंटरफेरॉन वेयर डिस्कवर्ड बाय, तो इंटरफेरॉन किसने के द्वारा खोजा गया था? तो आंसर डी होगा 80 का, इसाक्स एंड लैंड लिंड लिंडन मैन। इंटरफेरॉन इज, तो इंटरफेरॉन क्या है? एंटीवायरल ड्रग है। केमिकली इंटरफेरॉन्स आर, जो केमिकल नेचर है इंटरफेरॉन्स का वो किस तरीका है, किसका बना होता है? तो यहाँ पर 82 का बी होगा ग्लाइकोप्रोटीन। इफ ए पर्सन सो दैट प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन इन द इस बॉडी द कैंसर, बट द चांसेस दर आर दैट हैज गॉट इन्फेक्शन ऑफ वायरस। जब उसके अंदर यहाँ पर इन्फेक्शन वायरस का हुआ तो तभी यहाँ पर जो कि इन्फेक्शन वायरस का है, तो वायरस का कौन सा है? टाइफाइड मलेरिया होगा, क्योंकि मलेरिया जो है यही वायरस का है और सारे बैक्टीरिया का है। 83 का यहाँ पर भी सही होगा, वो 83 का मलेरिया तो प्रोटोजोन को है, यहाँ पर मीसलेस है वायरस का। टिटनिस टाइफाइड और मलेरिया सारे जो हैं वायरस के, टिटनिस यहाँ पर ये दोनों बैक्टीरिया के हैं और ये प्रोटोजोआ के हैं और ये वायरस का है। तो आंसर डी सही हुआ। एड डिसीज वाज रिपोर्टेड बाय फर्स्टली इन, तो एड डिसीज सबसे पहले किसने कहाँ खोजी की थी? 84 का आंसर यहाँ पर एक सही होगा, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एड्स वायरस हैज, एड्स वायरस में क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आंसर एक सही होगा, 85 का। हाइड्रोफोबिया इज कार्ड बाई, तो वायरस के द्वारा, जो वायरस कौन सा है? रेबीज वायरस। रेबीज वायरस यहाँ पर कौन सा है?
रेबीज वायरस और कौन सा 186 का आंसर सी होगा, रेबडो वायरस। स्मॉल पॉक्स इज, तो स्मॉल पॉक्स है एक वायरल डिसीज, वायरोला वायरस इज कॉल्ड वायरोला, स्मॉल पॉक्स होगा यहाँ पर 88 का बी। चिकन पॉक्स इज कॉल्ड बाई, तो चिकन पॉक्स है जो किसके द्वारा होती है, 89 का आंसर यहाँ पर डी होगा, वैरिसेला वायरस। चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स दोनों वायरस की बीमारी हैं, स्मॉल पॉक्स वैरियोला के द्वारा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाई द वायरस, तो इनमें से कौन सी डिसीज वायरस के कारण होती है, पोलियो है ये वायरस के कारण होती है, बाकी सारी बैक्टीरिया है। विच वन इज द नॉट वायरल डिसीज इन मैन, तो इनमें से कौन सा वायरल डिसीज मैन में नहीं है, डेंगू है, सिफेलिस है, ये कॉमन कोल्ड है, इंसेफेलेंट्स नहीं है, जो आंसर यहाँ पर 91 का एक सही होगा, साइफिलिस। विच फॉलोइंग डिटर्मो डर्मोट्रोफिक वायरल डिसीज, तो डर्मोट्रोफिक वायरल डिसीज कौन सी है, सी होगा यहाँ पर, मीसलेस। कॉमन कोल्ड कार्ड बाई, तो जो कॉमन कोल्ड है किसके द्वारा होता है, कौन सा वायरस है, 93 का आंसर सी होगा यहाँ पर, रीनो वायरस। सेवर अक्यूट रिस्पॉन्सिव सिंड्रोम यानी SARS, तो ये किसका काम है, इट कॉज बाय द वायरल, तो सेवर यहाँ पर इट कॉज बाय द वेरिएंट कॉमन कोल्ड वायरस, ये कौन सा है, तो सर्वेंट अक्यूट वायरस। चौरानवे का आंसर यहाँ पर सी से होगा, ए इट इज कॉज्ड बाय द वेरिएंट ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस। सेवर अकाउंट रिफाइटिस सिंड्रोम जो होता है कि कॉमन बैरियर वेरिएंट ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस के कारण होता है, यहाँ पर रिस्पायरेटरी जो सिंड्रोम है अक्यूट, सेवर अक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम जो कॉज्ड बाय वेरिएंट ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस यानी कोरोना वायरस जो 2021 में आया था, 20 में आया था, वही सेवर जिसे SARS कहते हैं, तो इट कॉज्ड बाय द वेरिएंट ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, आंसर सी से होगा। द वायरस विच रिप्लिकेट इन द आर्थ्रोपोड द इंटरमीडिएट होस्ट एंड देन गोज ऑन परमानेंट होस्ट द वर्टिब्रेट इज कॉल्ड, द वायरस विच रिप्लिकेट इन ए आर्थ्रोपोड और इंटरमीडिएट होस्ट, आर्थ्रोपोड और इंटरमीडिएट होस्ट में रिप्लिकेट करता है और देन गो द परमानेंट होस्ट और फिर स्थाई होस्ट में चला जाता है, तो इस वर्टिब्रेट है, तो कौन सा वर्टिब्रेट है, तो उसको वायरस को कैसे यहाँ पर कौन सा वायरस है, 95 का आंसर डी से होगा यहाँ पर, आर्बो वायरस। इंटरमीडिएट यहाँ पर आर्थ्रोपोडा और इंटरमीडिएट होस्ट में रहता है और यहाँ पर फिर उसके बाद परमानेंट होस्ट में चला जाता है, तो इस तरीके के जो कि इनवर्टिब्रेट है उसे कहते हैं आर्बो वायरस। आर्बो वायरस काजेस 46 यहाँ पर 96 का आंसर डी सी से होगा, डेंगू फीवर यानी कार्डेटा है, जो वर्टिब्रेटा है वो मैन है और मस्क्यूटो है प्रोटोजोन से, तो वो मस्क्यूटो है और परमानेंट होस्ट मैन है, मैन के बाद फिर यहाँ पर मस्क्यूटो है जो कि अदर फिर वो तो ही परमानेंट चला जाता है, यहाँ पर बता रहा था अभी ऊपर, तो 95 क्वेश्चन में आर्बो वायरस जो कि डेंगू में पाया जाता है। द डिसीज कॉज्ड बाय द वायरस विच इज 42 nm इज साइज एंड कंटेन डबल स्ट्रैंडेड DNA, तो हेपेटाइटिस बी होगा यहाँ पर जो कि डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है।
हु क्रेजी टू शो द वायरस आर काज ऑफ कैंसर, तो किसे यहाँ पर वो नोबेल प्राइज मिला था, किसको श्रेय जाता है यहाँ पर, कैंसर के का वायरस के कारण कैंसर होता, किसने खोज की थी 98 का, ये सही को रिनेटो डल्बी को। द लाइटेड व्यू अबाउट द ओरिजिन ऑफ वायरस दैट, तो 99 का आंसर डी सही होगा, दे आर मॉडिफाइड प्लाज्मिड, मॉडिफाइड प्लाज्मिड विच आर फ्रेगमेंटेड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड ऑफ होस्ट। तो लाइटेड व्यू ऑफ द ओरिजिन ऑफ वायरस में जो है उसका यहाँ पर यही मतलब है। की बता रहा है कि जो लास्टेड व्यू अबाउट द ओरिजिन ऑफ वायरस है वो है टी वाला, दे आर मॉडिफाइड प्लाज्मिड विच आर पिगमेंटेड द बाय न्यूक्लिक ऑफ होस्ट। आर एन ए पार्टिकल विदाउट प्रोटीन सीथ आर कार्ड, तो बायराइड कहेंगे उसे, आर एन ए पार्टिकल विदाउट प्रोटीन सीथ, जिसने प्रोटीन नहीं पाया तो उसे बायराइड कहेंगे, उसे कहेंगे माइकोप्लाज्मा, जिसमें प्रोटीन पार्टिकल नहीं पाया जाता है, और बायराइड में यहाँ पर और आरएनए पाया जाता है केवल, प्रोटीन नहीं पाई जाती तो उसे बायराइड कहेंगे। आरएनए पार्टिकल विदाउट प्रोटीन, जो आरएनए केवल पाया जाता है विदाउट प्रोटीन के, तो उसे माइकोप्लाज्मा कहेंगे। तो सौ का आंसर यहाँ पर एक सही होगा, बायराइड, केवल आरएनए पाया जाता हो प्रोटीन नहीं पाया जाता उसे बायराइड कहेंगे। माइक्रोप्लाज्मा एक यूनिसेलुलर स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा। बायराइड वेयर डिस्कवर्ड बाई, बायराइड की किसी ने खोज की थी, तो यहाँ पर 101 का बी सही होगा, वो 101 का एक डायनर ने, बायराइड की खोज यहाँ पर डायनर ने की थी, जो कि आरएनए पाया जाता केवल प्रोटीन भी नहीं पाई जाती। बायराइड डिफर फ्रॉम वायरस इन बींग और नकेड आरएनए मॉलिक्यूल ओनली, केवल यहाँ आरएनए पाया जाता है प्रोटीन नहीं पाई जाती है। बायराइड हैव, तो बायराइड है यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉट क्लोज बाय द प्रोटीन कोड, तो आंसर सी सही होगा 103 का। बिच फॉलोइंग डेवॉइड ऑफ प्रोटीन कोड विद द देयर बॉडी कंस्टिट्यूट ऑफ ओनली आरएनए, तो यहाँ पर हो गया था, अभी क्या होता था वायरस, तो कौन सा वायरस है जो कि बता रहा है एक प्रोटीन कोड बिच इज डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है, तो कौन सा वायरस है, तो वायरस यहाँ पर बायराइड होगा, मगर कौन सा है। आंसर यहाँ पर 104 का, 104 का टी होगा, पोटैटो स्पिंडल बायराइड। प्रोयंस आर द नाउनेस, तो जो प्रोयंस है तो वो उसे जाने जाते हैं, स्लो वायरस। आंसर ये एक सही होगा 105 का। द काजी एजेंट ऑफ द मैड काओ डिसीज, जो पागल गाय कर देती है उसे क्या कहते हैं, प्रोयंस, मैड काउ डिसीज है जिसे जो है 106 का आंसर बी सही होगा, प्रियांश। बीच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिसीज इज रिलेटेड टू द बोमाइन स्पॉन्जी फॉर्म ई सफेलोपैथी, तो 107 का आंसर डी सही होगा, क्रिप्टोफेल्ड जेकोबो डिसीज। हु डिस्कवर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन RPVS RSP, तो यहाँ पर 108 का आंसर बी सही होगा, टेमिन। रेट्रो वायरस हैव स्पेशल एंजाइम दैट, रेट्रो वायरस हैव स्पेशल एंजाइम जो है, 109 का आंसर डी सही होगा, ट्रांसक्राइब वायरस टू cDNA।
सर्तान आरएनए वायरस कैरियर जीन फ्रॉम द एंजाइम दैट यूज वायरल आरएनए एज द टेम्पलेट इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए दिस इज एंजाइम इज तो यहाँ पर रिबोज ट्रांसक्रिप्टेज बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट नॉट ट्रू फॉर द बोरियो वायरस तो रिट्रो वायरस के बारे में कौन सा सही नहीं रिट्रो वायरस काज एजेंट ऑफ द टेकिंग काइंड ऑफ कैंसर में गलत है और डीएनए नॉट प्रेजेंट इन द एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस रेट्रोवायरस कैरी जीन फॉर द डीएनए आरएनए डिपेंड डीएनए पॉलीमरेज आंसर जे साला वो ये सही है और बता रहा सही नहीं है तो ये तो सही है जेनेटिक मटेरियल इन द मैच्योर रेट्रोवायरस इन आरएनए ये भी सही है रेट्रोवायरस आर द काजिंग एजेंट फॉर द सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर इन मैन आंसर पहला ये सही है ये गलत है यही हमारा उत्तर है आंसर बी वाला पहला तो सही है डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस ये बता रहा है ये गलत है यही हमारा उत्तर है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग ऑन द इंस्टीट्यूट एंड इट्स आइसोलेशन तो 112 का आंसर एक सही हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इन ह्यूमन थ्रू वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इन ह्यूमन थ्रू तो 113 का आंसर बी सही होगा प्लेसेंटा मदर बीच फॉलोइंग इज स्पेशलिटी 5 × 174 एंड बैक्टीरियोफेज M30 इज दोनों हैं यहाँ पर सिंगल अटेंडेड सिंगल अटेंडेड डीएनए कोलीफेज एंड बैक्टीरियो M30 दोनों में यहाँ पर सिंगल अटेंडेड डीएनए पाया जाता है द वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ तो जो वायरस है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उस बना होता है तो आरएनए एंड प्रोटीन यहाँ पर वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ तो आंसर डी सही हुआ 115 का 180 और डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वायरस प्रोवायरस इज प्रोवायरस मींस क्या होता है तो यहाँ पर 116 का आंसर डी सही होगा इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम जेनेटिक मटेरियल आप रेट्रोवायरस इज तो रेट्रोवायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है तो यहाँ पर होगा उसका रेट्रो वायरस है जो उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा जो एड्स में पाया जाता है वो सिंगल अटेंडेड आरएनए होता है स्मॉल प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द वर्टिब्रेट सेल नेचुरली इन द रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन एंड विच एक्सिबिटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस आज कॉल्ड इंटरफेरेंस वायराइड काज तो वायराइड के कारण क्या होता है वायराइड है यहाँ पर कॉलीफ्लावर मजोक टोबाटो स्पेंडल सॉफ्ट तो यहाँ पर डबल एक्सटेंडेड आरएनए होता है इसमें डीएनए 19 का आंसर डी सही होगा एस पी पी एस एम पोटाटो स्पेंडल फाइबर टोमोको वायरस मोजेक वायरस द होस्ट ऑफ टीएमबी इज तो टीएमबी का होस्ट यहाँ पर कौन सा होगा निकोटियाना होगा आंसर जो कि तम्बाकू का पेड़ का नाम है प्रोयांस इन्फेक्शन एजेंट एसोसिएटेड विद द मैडकाव और डिसीज द एज एजेंट आर तो यहाँ पर होगा प्रोयांस आर इन्फेक्शाउस एजेंट एसोसिएटेड विद द मैडकाव डिसीज दीज एजेंट आर प्रोटीन्स तो 121 का आंसर यहाँ पर सी होगा बीच फॉलोइंग प्रोसेस नीड टू द बैक्टीरियोफेज तो इनमें से कौन सी जो है प्रोसेस बैक्टीरियोफेज के लिए ज़रूरत होती है तो यहाँ पर होगा ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांडक्शन ट्रांडक्शन यहाँ पर ज़रूरत होगी 122 का आंसर डी सही होगा ट्रांडक्शन के लिए जरूरत होगी बैक्टीरियोफेज के लिए
ट्रांडक्शन मीन होता है बैक्टीरिया का डीएनए एक बैक्टीरिया को होस्ट सेल हो जो बैक्टीरिया की उसे इन्फेक्ट करके उसका डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में उसके अपने साथ ले जाए, जिससे मेटाबॉलिज्म उसकी प्रक्रिया पर एक्टिव करके उसे इन्फेक्शन इन्फेक्ट कर सके। तो ये प्रक्रिया नहीं होगी जब तक बैक्टीरिया जो वायरस है या होस्ट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ब्लम्बरिंग ब्लम्बरज 1963 डिस्कवर्ड। तो 123 का भी होगा एच पी बी। बिच हैज आईएसएस यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किस में पाया जाता है? तो 124 का आंसर एक होगा एच ए बी। आइडेंटिफाई द हेपेटाइटिस वायरस विच कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली एंड रिक्वायर अनदर हेपेटाइटिस वायरस फॉर द इट मल्टीप्लीकेशन। आइडेंटिफाई द हेपेटाइटिस वायरस विच कैन नॉट सर्वाइव डिपेंडेंटली एंड रिक्वायर द अनदर हेपेटाइटिस वायरस फॉर द एक्युमुलेशन इज। 125 का आंसर यहाँ पर डी सही होगा, हेपेटाइटिस डी वायरस। इन रेट्रियो वायरस आरएनए डिपेंड डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज आरएनए से डीएनए बनाता है। वो यहाँ पर बता रहा है कि इन रेट्रो वायरस आरएनए डिपेंड डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज डीएनए को सिंथेसिस करता है, तो आरएनए से डीएनए बनाता है। 26 का एक सही होगा। ड्यूरिंग लाइटिक लाइफ साइकिल ऑफ वायरुलेंट डीएनए फेज बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर। तो लाइटिक फेज में कौन सा नहीं होता है यहाँ पर प्रक्रिया? द होस्ट सेल लाइज सही है, न्यू फेज आर रिलीज सही है, होस्ट सेल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ वायराइन प्रोटीन्स सही है, द फेज डीएनए इंटीग्रेटेड टू अनदर होस्ट क्रोमोसोम आंसर यहाँ पर सी सही होगा, यही जो है ये नहीं होता है। तो उत्तर यही हमारा 127 का। वो आंसर यहाँ पर 127 का डी होगा, द फेज डीएनए इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट क्रोमोसोम। ड्यूरिंग द लाइटिक लाइफ साइकिल ऑफ वायरुलेंट डीएनए फेज बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर। द होस्ट सेल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ वायरस। तो आंसर डी सही होगा यहाँ पर। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, इंटरफेरेंस आर द टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय द बॉडी सेल इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया, पहला तो गलत है। दूसरा होता है इंटरफेरेंस स्टिमुलेट द इन्फ्लेशन एट द साइट ऑफ इंजरी, दोनों गलत हैं। तो 128 का आंसर डी सही होगा, बहुत ए आर फेल्स। वायरस इंटर द प्लांट सेल, वायरस इंटर द प्लांट सेल ओनली थ्रू तो बाउंड द्वारा। और टीओ डाइनर ने क्या खोजा था? इन्फेक्शन प्रोटीन्स। फ्री इन्फेक्शन आरएनए खोजा था यहाँ पर टीओ डाइनर ने, फ्री इन्फेक्शन आरएनए जो कि यहाँ पर प्रोवांस कहते हैं उसे, प्रोवांस। द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस इज एबिलिटी टू, नॉन लिविंग जो कैरेक्टर ऑफ वायरस के हैं जो उसके उनमें क्षमता होती क्या है? मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, का डिसीज इन होस्ट सेल। तो आंसर 131 का डी होगा, बी कैटलाइज्ड। नॉन लिविंग जो कैरेक्टर है वायरस का तो यहाँ पर उनको करेक्टर किया जा सकता है कैटलाइज, तो इसे यही उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं नॉन लिविंग के, बी कैटलाइज, उन्हें कैटलाइज किया जा सकता है। एच आई वी क्लासीफाइड द रियो रेट्रो वायरस बी का दी इट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरिड इन।
डीएनए इंटीट्यूट ऑफ आरएनए, आरएनए इंटीट्यूट ऑफ डीएनए। तो एचआईवी एक क्लासिफाइड द रिट्रोवायरस बीका जेनेटिक मटेरियल इज कैरिड इन कैरिन आरएनए इंटीट्यूट ऑफ डीएनए। आंसर यहाँ पर 132 का डी होगा, डीएनए के बजाय आरएनए में यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पर डीएनए होता है ये, और ये डीएनए और ये आरएनए, तो डीएनए से आरएनए बनता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसी के कहते हैं, यहाँ पर रिट्रोवायरस में होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की उपस्थिति में होता है। द एजेंट विच इज नाउन काज ऑफ सी जेड आर डी। तो इसे कौन सा है, यहाँ पर 133 का बी होगा, और प्रोटीन पार्टिकल। द एजेंट विच इज नाउन टू सी जेड डी, तो यहाँ पर उसके कारण होता है प्रोटीन पार्टिकल। यहाँ पर चित्र है ABCD, इसके देखकर बताना है उत्तर, ए क्या है, सी क्या है, बी क्या है। तो ए यहाँ पर, ए तो कॉलर, ए हेड है, ए हेड है, ये हेड है, ये एच बना दें हमें ऊपर, सी कॉलर है तो सी बना दिया, बी सीत है तो यहाँ पर एस बना दिया। तो यहाँ पर कौन से मिल रहे हैं हमें, और यहाँ पर डिटेल है, तो एच यानी हेड, और उसके बाद हेड के बाद कॉलर किस में आ रहा है, हेड कॉलर, तो यहाँ पर हेड कॉलर और ऑप्शन है नहीं है। ए पर यहाँ पर हेड है, ए पर हेड है, और सी पर कॉलर है, ए के बाद बी आएगा, तो बी पर यहाँ पर सीत है, ए पर हेड है और बी पर सीत है। तो पहले हम हेड से चलें, हेड, और सी पर कॉलर है, और डी पर यहाँ पर टेल है। तो पहले ए से चलेंगे, ए हेड है तो हेड मिल गया, बी सीत है मिल गया, सी कॉलर है, डी टेल है, टेल फाइबर, तो आंसर यहाँ पर सी सही होगा। एक सौ 134 का सी। HIV मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस इज कॉल्ड, और HIV है एक जो कि मेंबर ग्रुप है, तो उसको कहते हैं रेट्रोवायरस, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे रेट्रोवायरस करते हैं। और 135 का डी। पोलियो वायरस से बाई ए वायरस के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट इज कॉल्ड, वायरल जीनोम है जो इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट से होस्ट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। तो 137 का आंसर बी होगा, प्रोफेज। जो वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट डीएनए इज कॉल्ड प्रोफेज। विच वन फॉलोइंग वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो कौन सा वायरस है जिसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, चलिए वाला है, साइनोफेज तो होगा नहीं, हर्पीस नहीं होगा, पोलियो नहीं होगा, तो यहाँ पर जो बचा सी वाला यही होगा, नया वायरस है, और इसका नाम क्या है, लेको वायरस। इन्फेक्साउस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, तो इन्फेक्साउस प्रोटीन यहाँ पर प्रांस में पाई जाती है। बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इसपेलिन थैलोपैथी इज डिसीज कॉज्ड बाय, तो यहाँ पर होगा किसके द्वारा होती है, यहाँ पर इन प्रांस, तो काव में होता है यहाँ पर। 140 का बी सही होगा, जो कि मेंढका बनाता है, पोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी डिसीज कॉज्ड बाय प्रांस इन मेंढका बनाती है यहाँ पर काव में।
ए वायरस डिफर फ्राम द बैक्टीरिया में एस इट कंटेन वायरस है डिफर फ्राम बैक्टीरियम एस इट कंटेन सेल वॉल। और डीएनए जेनेटिक आरएनए या डीएनए जेनेटिक नो राइबोसोम, तो राइबोसोम तो पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है बैक्टीरिया में मगर वायरस में नहीं पाई जाती। और 141 का आंसर यहाँ पर डीएनए और आरएनए या जेनेटिक मटेरियल विद द नो राइबोसोम बैक्टीरिया में यह पाया जाता है। वायरस डिफर फ्राम बैक्टीरियोफेज एज इट, तो वायरस में यहाँ पर डीएनए आरएनए पाया जाता है और राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ये अंतर है बैक्टीरिया में और वायरस में। पर इंटरफेरेंस प्रोटीन प्रोटोज माइक्रोफेज विद द डिस्ट्रॉय, ये गलत है। प्रोटीन सेक्रेटेड बाई वायरस इन्फेक्टेड सेल विच प्रोटेक्टेड इन इन नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्राम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन, 142 का बी होगा। द मेजोरिटी ऑफ बल्को वायरस आर यूज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बिकॉज, द मेजोरिटी ऑफ बल्को वायरस आर यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बिकॉज, 143 का डी होगा यहाँ पर। ऑल ऑफ अबो दीज आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेंस, बल्को वायरस जो बायोलॉजी कंट्रोल के लिए यूज होता है यहाँ पर। दूसरा बता रहा है दे हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द नॉन टारगेट सेल, ये भी सही है। और बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व्ड, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल जो बीपन है एक तरीके का बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, तो जिसे बल्को वायरस कहते हैं जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज होते हैं, ये सारे काम होते हैं इसमें, ये सारे लाभदायक। तो ऑल ऑफ अबव ये सभी अब उपयुक्त सभी। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द वायरस, तो वायरस के बारे में कौन सा असत्य है। ऑल वायरस पैरासाइट, ये सही है। ऑल वायरस देम हैव हेलिकल सिमेट्री, एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट ऑन देम, सही है। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, तो यहाँ पर डी वाला है ये गलत है। यहाँ पर बी वाला है यही गलत है। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री सभी में नहीं होती है, और यहाँ पर आंसर यही सही हुआ। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट इन द वायरल रिप्लिकेशन, तो वायरल रिप्लिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले पेनिट्रेट करेगा वो, सबसे पहले यहाँ पर अडेप्शन करेगा, अडेप्शन अडॉप्शन, उसके बाद यहाँ पर पेनिट्रेशन, यानी फर्स्ट स्टेप ये है, दूसरी ये है पेनिट्रेशन। तो उसके बाद पहला दूसरा तो अडॉप्शन पहला करेगा, दूसरा यहाँ पर तीन के बाद पाँच, फिर इक्लिप्सिप करेगा यहाँ पर तीन नंबर पर, इक्लिप्सिप के बाद यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर मैचुरेशन करेगा जो कि चार नंबर पर है मैचुरेशन, उसके बाद असेंबली, उसके बाद असेंबली पाँच नंबर, और उसके बाद लाइसिस। तो आंसर यहाँ पर कौन सा सही होगा, सी सही होगा, 145 का। सबसे पहले यहाँ पर अडेप्शन करेगा, उसके बाद पेनेट्रेशन, फिर इक्लिप्स, फिर मैचुरेशन होगा, फिर असेंबली होगा। जेनेटिक मटेरियल फॉर आप पपाया मोजेक वायरस इज, तो जेनेटिक मटेरियल पपाया मोजेक वायरस है उसका किस तरीके का होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है या डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड यहाँ पर 146 का आंसर डी होगा, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कार्ड बाई, तो यहाँ पर होगा प्रोटोयान्स के द्वारा, जो PST पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस।
बायराइट के द्वारा होता है यहाँ पर। जेनेटिक मटेरियल फॉर द आप बायराइड है, तो बायराइड में यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो बायराइड में यहाँ पर वो केवल प्रोटीन होती है, आरएनए नहीं, वो केवल आरएनए आरएनए होता है, प्रोटीन नहीं होती। तो 48 का आंसर भी सही होगा, नकेड आरएनए पाया जाता है केवल, प्रोटीन नहीं पाई जाती। और प्रोटीन केवल पाई जाती है प्रोयांस में, प्रोयांस तो छोटे मालिकूल हैं वायरस इन्फेक्शन जो कि मैड का बनाते हैं, उनमें खाली प्रोटीन पाई जाती है, केवल प्रोटीन पाई जाती है, तो उन्हें कहते हैं प्रोयांस। केवल आरएनए पाए जाते हैं उसे बायराइड कहते हैं। इंटरफेरेंस आर द प्रोटीन्स मॉलिक्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम द इन्फेक्टेड होस्ट सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काजिक एजेंट ऑफ द इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा में कौन सा वायरस पाया जाता है, तो मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंसी 150 का सही होगा। ए वायरस कैन बी कंसीडर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट, तो यहाँ पर रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग सो द कॉइल्ड आरएनए ट्रेंड इन द कैप्सोमियर्स, तो कौन सा वायरस है जो कि कॉइल्ड आरएनए ट्रेंड और कैप्सोमियर प्रदर्शित करता है। टीएमबी में ऐसे होते हैं कैप्सोमियर्स पूरे एकदम बहुत सारे, तो आंसर डी सही होगा, जो कि इवानोव्स्की ने खोज की थी वायरस की टीएमबी में। वायरस हैव, वायरस यहाँ पर होगा, वायरस में यहाँ पर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस तो नहीं होता, तो सिंगल क्रोमोसोम बहुत आरएनए डीएनए क्लोज इन प्रोटीन कोड, तो वायरस में प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस सिंगल क्रोमोसोम होगा। आंसर 53 का डी होगा। यहाँ पर वायरस होता है या डीएनए होता है, तो डीएनए इनक्लोज इन प्रोटीन कोड, यहाँ पर डीएनए होता है वायरस में या फिर आरएनए होता, तो यहाँ पर डीएनए है, तो डीएनए लिख दिया है यहाँ पर, यहाँ पर 53 का डी होगा। बीच फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सा गलत है, तो टीओडाइनर वायराइड फाउंड इन द फ्री डीएनए, तो WM स्टेनले क्रिस्टलाइज प्रोटीन्स, तो रॉन्गली मैच्ड यहाँ पर वी वाला सही है, ये गलत है। इवानोव्स्की माइक्रोस्कोप स्मॉल बैक्टीरिया काज द म्यूजिक टीएमबी, लीपाचर मींस बैनान, तो इनमें से बता रहा रॉन्गली मैच है, तो यहाँ पर जो इवानोव्स्की हैं उन्होंने वायरस की खोज की थी, स्टेनले यहाँ पर किटल किया था, तो आंसर सी सही होगा 54 का। चौवन का यहाँ पर एक सही होगा, ये गलत है, तो सारे सही हैं। वाट आर द इंटरफेरेंस, जो टीओ डायनन ने यहाँ पर प्रोयांस की खोज की थी, यहाँ पर बायराइड की नहीं थी। वाट आर द इंटरफेरेंस सेक्रेटेड इन द बॉडी, तो यहाँ पर होगा बैन सेल आर इन्फेक्टेड बाई वायरस, यहाँ पर स्टेटमेंट है जो गलत है, सही बता रहा कौन सा है, द बायराइड हैव डिस्कवर्ड बाई द जे इन्वानोव्स्की, पहला ही गलत है और सारे सही हैं क्योंकि पहला ही मिल रहा है गलत, तो 56 का एक सही होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द बाय राइट, तो बाय राइट के हमारे कौन सा है गलत है, दे है काजिंग इन्फेक्शन सही है, दे लाग द प्रोटीन कोड, तो बाय राइट में प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता केवल आर एन ए पाया जाता है, यही सही है, दे आर स्मॉलर देन वायरस ये भी सही है, दे आर एन ए हाई मॉलिक्यूल वेट, तो यहाँ पर 57 का डी होगा ये गलत है। बायराइट डिफर फ्रॉम द वायरस इज हमिंग, तो आर एन ए मालिक्यूल विद प्रोटीन कोड, आर एन ए मालिक्यूल विद विदाउट प्रोटीन कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनमें से गलत कौन सा, बायराइट लाग द प्रोटीन कोड सही है, वायरस आर द ऑब्लिकेट पैरासाइट ये भी सही है, इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूट इन द वायरस इज प्रोटीन कोड ये भी सही है, प्रोयांस कंसिस्ट ऑफ नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन ये डी वाला जो है सी वाला, इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूट इन वायरस इज प्रोटीन कोड। तो यहाँ पर आंसर सी वाला है ये गलत है, जो इन्फेक्टिव जो वायरस बता रहा है, द इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूट इन वायरस इज प्रोटीन कोड, तो इन्फेक्टिव जो है वो नहीं होता है प्रोटीन कोड में, इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूट प्रोटीन कोड में नहीं होता है ये तो बता रहा है होता है, तो आंसर यहाँ पर सी गलत है और सारे सही है। मैड का डिसीज कैटल इज कैट बाई द ऑर्गेनिज विच इज हैज नॉर्मली अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, केवल प्रोटीन का बना होता है जिसे प्रोयांस कहते हैं, 160 का भी होगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट वायरस, तो वायरस के बारे में कौन सा सही है, दे हैव आर एन ए विथ प्रोटीन कोड, दे हैव डी एन ए विथ प्रोटीन कोड, दे हैव फ्री डी एन ए विदाउट प्रोटीन कोड, दे है फ्री आर एन ए विदाउट प्रूफ, तो यहाँ पर पहला ही सही होगा 161 का। बीच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट वायरस, तो वायरस है आर एन ए विदाउट प्रोटीन कोड, यही सही है हमारा डी वाला, बायराइड के बारे में यहाँ पर है, तो बायराइड यहाँ पर केवल प्रोटीन पाया जाता है, वो केवल आर एन ए पाया जाता है विदाउट प्रोटीन कोड, तो आंसर डी सही होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद, राधे राधे, डोंट वरी बी हैप्पी।